हाय एवरीवन, मैं हूं आंचल पाठक और 5 पैसा की आईपीओ सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। कंपनी फैसिलिटीज मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट आईपीओ एज वेल एज स्टॉक मार्केट न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आईपीओ सिनॉप्सिस। ये इशू ओपन होगा 14 मार्च को और 18 मार्च को क्लोज हो रहा है। इशू की टोटल वर्थ है 300.13 करोड़। इसमें फ्रेश इश्यू है वर्थ 175 करोड़ और 125.13 करोड़ का ओएफएस भी है। प्राइस बैंड सेट हुआ है फ्रॉम 680 टू 715 पर शेयर। लॉट साइज है 20 शेयर्स पर लॉट। शेयर्स अलॉट होंगे 19 मार्च को और लिस्टिंग डेट है 21 मार्च की। इंगा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड इस इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। इशू से रेज किए गए फंड्स डेट की पेमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए, नई मशीनरी की परचेज के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज किए जाएंगे। चलिए अब कंपनी के फंक्शनिंग को अच्छे से समझते हैं। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड फैसिलिटीज मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी हाउसकीपिंग, सैनिटेशन, लैंडस्केपिंग, गार्डनिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लंबिंग सर्विसेज, एयरपोर्ट मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज ऑफर करती है। ये स्टाफिंग, पेरोल मैनेजमेंट, प्राइवेट सिक्योरिटी, मैंड गार्डिंग और केटरिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। एज ऑफ मार्च 31, 2023 कंपनी 100 से भी ज़्यादा हॉस्पिटल्स, 200 से ज़्यादा स्कूल्स, 2 एयरपोर्ट्स, 4 रेलवे स्टेशन और 10 मेट्रो स्टेशन को सर्विस करती है। इंडस्ट्री को भी अच्छे से समझते हैं। फिस्कल 2023 में इंडिया में आउटसोर्स्ड इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट मार्केट की वर्थ 980.8 बिलियन रुपीज़ थी। इसमें से गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से अपॉर्चुनिटीज़ की वर्थ थी 492.95 बिलियन रुपीज़। ये एस्टिमेटेड है कि ये फिस्कल 2028 तक 1047.31 बिलियन की हो जाएगी एट अ सीएजीआर ऑफ 16.3%। बात करते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बारे में। ये FY23 में 707.63 करोड़ रुपीज़ था, FY22 में 552.67 करोड़ रुपीज़ और FY21 में 471.28 करोड़ रुपीज़ था। एक साल में ये 28.04% से अप था और दो साल में 50.15% से इंक्रीज़ हुआ। एबिद्दा की बात करें तो ये FY23 में 54.50 करोड़ रुपीज़ था, FY22 में 45.45 करोड़ रुपीज़ और FY21 में 30.10 करोड़ रुपीज़ था। अप बाय 19.91% इन वन ईयर एंड 81.06% इन टू ईयर्स। पैट FY23 में 38.44 करोड़ रुपीज़ था, FY22 में 26.27 करोड़ रुपीज़ और FY21 में 16.82 करोड़ रुपीज़ था। एक साल में ये 46.33% से इंक्रीज हुआ और दो साल में 128.54% से। टोटल एसेट्स की बात करें तो ये FY23 में 343.46 करोड़ रुपीज़ थे अगेंस्ट 404.38 करोड़ रुपीज़ इन FY22 एंड 338.47 करोड़ रुपीज़ इन FY21, डाउन बाय 15.07% इन वन ईयर एंड अप बाय 1.47% इन टू ईयर्स। शेयर कैपिटल FY23, FY22 और FY21 में 5.76 करोड़ रुपीज़ था। आखिर में बात करते हैं टोटल लाइबिलिटीज़ की। ये FY23 में 180.05 करोड़ रुपीज़ थे अगेंस्ट 240.53 करोड़ रुपीज़ इन FY22 और FY21 में ये 202.39 करोड़ रुपीज़ थे, डाउन बाय 25.14% इन वन ईयर एंड 11.04% इन टू ईयर्स। इस सेक्शन में हम कंपनी से रिलेटेड स्ट्रेंथ्स और रिस्क के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रेंथ्स डिस्कस करते हैं। कंपनी काफ़ी अलग तरीके की ऑफरिंग्स प्रोवाइड करती है। इनका बिजनेस मॉडल इंडस्ट्री ट्रेंड्स को फेवर करता है और इनकी कस्टमर्स के साथ इस्टेब्लिश रिलेशनशिप्स रही हैं। ये काफ़ी ज्योग्राफीज़ में प्रेजेंट है और इन्होंने स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी दिखाई है। रिस्क्स पर नज़र डालें तो ये लिमिटेड कस्टमर्स पर काफ़ी ज़्यादा रिलाई करते हैं और ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पर भी डिपेंडेंट हैं। कुछ सेगमेंट्स में रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन है। ये जिन इंडस्ट्रीज़ में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनमें भी ऑपरेशनल रिस्क्स फेस करनी पड़ती हैं। एंड लास्टली, अनसर्टेनिटी सराउंडिंग ग्रोथ पोटेंशियल इन फोकस सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर एंड एजुकेशन एड टू रिस्क फैक्टर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाले हैं देन डू लेट अस नो इन द कॉमेंट सेक्शन। Investments in securities market are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing.